और अभी हमने भैया से बात की थी, तो भैया ने अभी हमें कुछ चीज़ बताई कि वायरिंग कट होने के ऊपर कुछ बात की है, तो उसके ऊपर आप भी सुन लो। तो आज हमारी गाड़ी में क्या काम हुआ है आपके भैया? एक तो हेडलाइट पे DRL लगाए गए हैं। अच्छा, और डैशबोर्ड पे ब्लू LED लगाई गई है, डैशबोर्ड और पीछे रियर सीट्स पे। ठीक है, और एक जिग की लाइट लगाई गई है। तो स्टार्ट कुछ इस तरह से होती है, ये मैट्रिक्स है, सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू चैनल गाइज एंड यू वॉचिंग डीप क्रिएशन एंड आई एम दीपांशु दीप। तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं बात करने वाला हूँ अपनी गाड़ी की लाइटिंग के बारे में, जो कि मैंने इंस्टॉल करवाए हुए लगभग हो चुका है 1 मंथ, और देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा है। अभी तक का रिस्पॉन्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, और कहाँ से इंस्टॉल हुई थी, किस तरह से, मतलब क्या क्या चीज़ हुई है इसके अंदर, उसके बारे में मैंने जो वीडियो उस टाइम बनाई थी जब मैंने लाइट इंस्टॉल करवाई थी, तो उस दिन की तरफ हम चलते। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अगर आप मॉडिफिकेशन मेरी कार के अंदर देखना चाहते हैं, जो कि मैं करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए जल्दी से लाइक, कॉमेंट एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को फैला दीजिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के कुछ सिनेमेटिक शॉट्स की, लाइट्स टोटल से गाड़ी किस तरह से निकल के आई है, क्या लुक आ रहा है उसका, किस तरह से, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं अगर जब मैं नाइट में इस कार को लेकर निकलता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो को। सो गाइस, आज हम आए हैं लव कार पे, और ये आपको करोल बाग मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल पास में शॉप मिलेगी। और यहाँ पे आज मैं अपनी गाड़ी में कुछ लाइटिंग का काम कराने आया हूँ, जिसमें कुछ DRL हेडलाइट पे और बैक पे, यहाँ पे आपको देखते हुए मिल जाएगी जॉइंडी फ्लोटिंग इंडिकेटर वाली लाइट्स आती हैं वो, और अंदर एटमोसफेयर लाइट होती हैं वो आपको देखने को मिलेगी अंदर गाड़ी के, जो लगेंगी। सो देखते हैं हम कैसा रहता है। लव कार पे आए हम, और प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि क्या प्राइस कोड हुआ इसके लिए। तो लेट्स सी। सो गाइस, हमारी गाड़ी का काम हो चुका है स्टार्ट, और ये वाली लाइट्स हैं जो मैंने इसमें लगवाई है DRL वाली। सो कुछ ऐसा इसका रिस्पॉन्स है, नाइट में इसका रिस्पॉन्स आपको कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और ये इसके इंडिकेटर, फ्लोटिंग इंडिकेटर कहेंगे। दूसरी साइड काम हो रहा है इसी तरीके का। देखते हैं सब कुछ कैसा रहता है, और फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसी दिख रही है अभी। सो गाइस, ये हो चुके हैं काम कंप्लीट, और कुछ रिस्पॉन्स इसका भी ऐसा आ रहा है। बाकी आपको नाइट मोड में कुछ अच्छे देखने को मिलेगा कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है इसका। तो गाइस, हमारी गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है, और भैया काम कर रहे हैं। भैया अपना नाम बताओगे? राजू नाम। अच्छा, लव कार पे आप आओगे तो भैया राजू भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और भैया ने यहाँ लाइट से कनेक्शन लिया है। सो भैया, कैसे लाइट से क्या कनेक्शन किया आपने इसका? फिर डोर का कनेक्शन है भैया, डोर के साथ जलेगी ये लाइट। अच्छा, फ्लोरिंग लाइट हो रही है इसमें। तो भैया को आप काम करने देते हैं, और लास्ट में देखते हैं किस तरह से काम होता है। सो गाइस, काम कुछ ऐसा हो रहा है, और अभी हमने भैया से बात की थी,
तो भैया ने अभी हमें कुछ चीज़ बताई कि वायरिंग कट होने के ऊपर कुछ बात की है, तो उसके ऊपर आप भी सुन लो। तो भैया आपने क्या बताया अभी अपने? स्कॉच लॉक भी है, जो तार छीला जाता है स्कॉच लॉक भी वही काम करता है, तार अंदर से वो छीलता ही है, उसके अच्छा। अंदर ब्लेड होता है स्कॉच लॉक के अंदर, वो पंच कर देते हैं, वो छीलने के बाद ही टच होएगा उस पर, कोपर को हटने के बाद ही। मतलब हमारी वायर कट हो ही रही है? वो तो हो ही रही है। अच्छा, और भैया आप कौन कौन सी गाड़ियों का काम कर लेते हो? किसी भी गाड़ी का भैया, तकरीबन सारी गाड़ी का कर लेते हो? कोई सी भी गाड़ी ले, लग्जरी हो, कॉम्पैक्ट हो, बजट कार, हर कोई कार भैया काम कर लेते हैं। तो भैया के पास आना है आपको और काम करवाना है अपना। भैया आपको लव कार पे मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आकर के पूछने ना राजू भैया का है, और राजू भैया आपको मिल जाएंगे। आज आज हम आए थे लव कार सीट कवर्स एंड एक्सेसरीज की शॉप पे, तो हमें अंकल मिले थे। अंकल अपना नाम बताए पहले। मेरा नाम जी संजीव अरोड़ा है। अच्छा, तो आज हमारी गाड़ी में क्या काम हुआ है आपके भैया? एक तो हेडलाइट पे DRL लगाए गए हैं। अच्छा, और डैशबोर्ड पे ब्लू LED लगाई गई है, डैशबोर्ड और पीछे रियर सीट्स पे। ठीक है, और एक जिक्की लाइट लगाई गई है। ठीक, तो हमारे जो DRL का बॉक्स है, हाँ जी, वो ये होने वाला है, और बैक लाइट का बॉक्स कुछ ऐसा होने वाला है। टिकी लाइट। तो इनके क्या प्राइसिंग है? आप अपनी प्राइसिंग बताई थे। ये हमारे बहुत कम से कम रीजनेबल प्राइस रखे हुए हैं हमने। ठीक है। और जो हेडलाइट्स DRL रहते हैं, सेट होता है टू पीस का, ये 650 का आता है विदाउट सेट, और जो ब्लू वाली लाइट्स है अंदर वो 250 का सेट है। ठीक, और जो डिक्की वाली लाइट्स है वो 550 का सेट। ठीक है, उसके अंदर फ्लोटिंग इंडिकेटर्स, हाँ, एंड इंडिकेटर्स एंड ब्रेक्स एंड रिवर्स। ठीक है, एंड पार्किंग। ठीक है, और लेबर चार्जेस के साथ? वो एक्स्ट्रा होते हैं भैया, जो वॉइस के होते हैं लड़के की, वो वही लेता है, वायरिंग वायरिंग डाल के वो अपना इंक्लूडिंग चार्ज। ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे आपको पड़ जाएगी। हाँ जी हाँ, 650 बहुत रीजनेबल प्राइस है। ठीक है, तो आप अंकल की शॉप पे आए, और काम को जिस तरह से हुआ है, सो गाड़ी का कुछ काम ऐसा हुआ है, ऐसे लग रही है DRL के साथ। पहले बंद करके चलाओ, वो उसमें मैट्रिक्स भी चलेगी, ये आप देखिए मैट्रिक्स चलेगी, चलाओ। तो स्टार्ट पे जिस तरह से होती है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, और अब आप इंडिकेटर ऑन कीजिए। ये इसका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है, अगर आप उसको देख पा रहे हो तो, लेफ्ट इंडिकेटर। प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब सेंटर वर्क, सेंटर में दो दोनों दोबारा पार्किंग, ये दोनों लाइटें ऑन हो चुकी है, कुछ इस तरह से इसका रिस्पॉन्स है। तो अब चलते हैं बैक लाइट की साइड। तो कुछ इस टाइप का बैक लाइट का रिस्पॉन्स है। इंडिकेटर ऑन कर दे भैया। ब्रेक, पहले ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स, ब्रेकिंग में कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आने वाला है। इंडिकेटर लाइट राइट साइड, तो ये राइट साइड का इंडिकेटर, अब लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, ये लेफ्ट साइड हो गया। रिवर्स गियर लगाएंगे अब इसका। रिवर्स गियर में मैंने वाइट लाइट की, वाइट कलर से करवाया इसका, आप कोई भी कलर से करा सकते हो, इसमें कलरफुल भी है ऑप्शन, मुझे पर्सनली वाइट कलर पसंद था इसलिए मैंने वाइट कलर से कराया। इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट, ब्रेक हो गया, ये इसका हैजार्ड लाइट मैच चल रहा है दोनों साइड।
तो अब हम कुछ अंदर का कुछ रिस्पॉन्स आपको दिखा दें। ये इसकी ब्लू लाइट, ब्लू लाइट्स का कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स आने वाला है। थोड़ा बैक साइड सामान पड़ा है इस वजह से, सो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है ब्लू लाइट का। सो ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा दिखा दिया है प्रॉपर किस तरह से वर्क कर रही है गाड़ी, और DRL कुछ इस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सो आपको आना है क्लब कार्स, कार सीट कवर्स एंड एक्सेसरीज। यहाँ पे राजू भैया आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, बहुत ज़्यादा भैया ने बहुत मेहनत की आज, काफ़ी अच्छा काम किया, और अंकल आपको यहीं मिल जाएंगे। ओके, सो होप सो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो में मैंने करी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें, और राजू भैया का जो भी रिस्पॉन्स था काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। आप जा सकते हो राजू भैया के पास अपना काम करवाने, उनको सारी गाड़ियों का ऑलमोस्ट काम करना आता है, लग्जरी कार हो या फिर ऐसी कोई कॉम्पैक्ट कार हो, छोटी कार हो, बजट कार या हर तरीके की कार के ऊपर वो काम कर सकते हैं। सो आप जा सकते हो लव कार एसेसरीज एंड कार कवर की शॉप जो है उसके ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इस वीडियो में जो भी प्राइसिंग की बात हुई है, उस प्राइसिंग से आपको कुछ, अगर आप सारी ये लाइटिंग करवाते हो, मैंने जैसे ये तीनों लाइट्स लगवाई थी, ये बैक लाइट, फ्रंट की DRL लाइट्स, और जिसमें मैट्रिक्स है, और जो इन अंदर जो लाइट्स लगी है एटमोसफेयर लाइट कहते हैं इनको, मुझे सिंगल कलर में चाहिए थी, इस वजह से मैंने से ब्लू लाइट्स उसमें डलवाई है। ये तो एक लाइट और आती है उसमें एटमोसफेयर, जिसके अंदर कलर आप चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको ये तीनों काम करवाते हो तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा नेगोशिएबल भैया कर दें उस चीज़ के लिए। तो आप जाओ एक बार ही वहाँ पे चेकआउट करो कि किस तरीके का काम है। काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट होने वाला है 1 मंथ, और किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे इसी चैनल पर आपको देखने के लिए वीडियो मिल जाएगी। तो इसीलिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, और इसी तरह वीडियोज आगे आप तक पहुँचती रहेगी जल्दी जल्दी। तो इसके बाद करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।